है, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टीचर टेक्नीशियन, और आज हम लोग वीडियो शुरू करने वाले हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में। दोस्तों आप लोगों ने कंप्यूटर पढ़ा होगा या कंप्यूटर पढ़ रहे होंगे या कंप्यूटर पढ़ने वाले होंगे या बेसिक शुरू की क्लास में तो कंप्यूटर में डाटा के बारे में पढ़ा ही होगा कि हम लोगों का डाटा स्टोर है, हम लोगों की हार्ड ड्राइव में डाटा स्टोर है या वीडियो डाटा है या ऑडियो डाटा है या नंबर का डाटा है। तो डाटा की कुछ टाइप्स होती हैं। आज हम लोग डाटा टॉपिक को कवर करने वाले हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन कवर करने वाले हैं और इसकी टाइप्स कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि आपके लिए डाटा रिप्रेजेंटेशन और डाटा के बारे में समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम नजर डालते हैं डाटा पे, डालते हैं कि डाटा होता क्या है, बनता किस तरह है, क्या कहलाता है। तो देखें डाटा, द कलेक्शन ऑफ फैक्ट एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा। यानी किसी भी चीज का कलेक्शन फैक्ट और फिगर का, जैसे आपका 000 फिगर है, 0012 ये भी एक तरह की फिगर है, इसका कलेक्शन हो गया, या फिर कोई फैक्ट हो गया, या कोई इमेज हो गई, या फिर कोई नंबर हो गया, कोई अल्फाबेट हो गया, जैसे आपका शनाख्ती कार्ड दिखे। तो शनाख्ती कार्ड आपका तो एक तरह का डाटा होता है। जो डाटा जब ट्रांसफॉर्म होता है, जब मीनिंगफुल फॉर्म में ट्रांसफर होता है तो डाटा इन्फॉर्मेशन बन जाता है, जैसा द मीनिंगफुल डाटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। सही है। अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि डाटा जो होता है फैक्ट एंड फिगर हो गया, लेकिन डाटा को रिप्रेजेंटेशन कैसे कराएं। दूसरी बात यह कि डाटा किस हिस्सों में डिवाइड होता है, कौन सा डाटा क्या कहलाता है। तो हम लोग जो बात करेंगे डाटा का एक चार्ट बना के बात कर लें। ये मैंने चार्ट बना दिया है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो डाटा होता है हमारा, वो दो हिस्सों में टूटता है। एक होता है हमारा न्यूमेरिक डाटा, दूसरा होता है हमारा करेक्टेड डाटा। अब न्यूमेरिक डाटा की बात करें तो न्यूमेरिक डाटा देखें, नाम से जाहिर हो रहा है, न्यूमेरिक का मतलब नंबर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए न्यूमेरिक डाटा, यहां मैं लिख देता हूं न्यूमेरिक डाटा। तो न्यूमेरिक डाटा की पॉइंट ये कह सकते हैं कि ये 0 से लेकर 9 तक डिजिट पे कंसिस्ट होता है। सही है। 0 से लेकर 9 तक नंबर होंगे, यानी न्यूमेरिक है, नाम से पता चल रहा है, लेकिन साथ में पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है। यानी 0 से लेकर 9 तक नंबर पॉजिटिव नेगेटिव, माइनस में भी वैल्यू आती है, 35 माइनस का या माइनस का 28 जैसा कोई चीज माइनस करते हैं। तो 6 - 5 तो 1 आया, लेकिन 5 - 6 - 1 आया। तो आपको न्यूमेरिक डाटा में दोनों नंबर चाहिए कि माइनस की भी वैल्यू है, प्लस की भी वैल्यू है। अब दूसरा डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के अगर हवाले से बात करें, जैसे माइनस के देखा, -6 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, -8 भी हो सकता है, तो ये हमारा माइनस प्लस होगा। सही। अब डेसिमल पॉइंट की बात करें, डेसिमल पॉइंट बेसिकली हमारा पॉइंट होता है, जैसे 6.5 इस जो डॉट को कहते हैं डेसिमल पॉइंट कहते हैं। न्यूमेरिक डाटा में ये खास चीज होती है कि अगर आपकी वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, जैसे आपकी वैल्यू सही से डिवाइड नहीं पाई, तभी वो डेसिमल पॉइंट होता है। सही है। जैसे 6.5 आ गई, 8.7 आ गई, तो यहाँ पर आपको जिस चीज़ की जरूरत पड़ेगी वो है डेसिमल पॉइंट। अब डेसिमल पॉइंट भी अलग कैटेगरी में टूटता है और सिंपल डाटा भी अलग कैटेगरी में टूटता है। और क्या कह सकते हैं हम लोग, एक चीज होती है एक्सपोनेंशियल। आप लोगों ने देखा होगा जिस चीज का मास ज्यादा हो, जैसे ज्यादा कम हो या ज्यादा हो, जैसे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻¹⁹ या गैलेक्सी का मास 6 × 10⁻²⁴। तो ये देखें, ये जो डाटा है यहाँ पर हम लोग 10⁻¹⁹ लगा रहे हैं, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सही है कि हम लोग एक वर्ड से रिप्रेजेंट करवाना है एक्सपोनेंशियल, हम ई भी लिख सकते हैं। जैसे कि आपने कैलकुलेटर में देखा होगा ई लिखा पाता है, हम डायरेक्ट एक वैल्यू लगाते हैं कि 1.6 × 10⁻¹⁹ या 10⁻²⁴। जैसे कि हमारा मास ऑफ अर्थ हो गया 6 × 10⁻²⁴। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जुड़ता रहेगा। सही है। अब हम जरा इसको कैटेगराइज करें कि ये तो हमारा न्यूमेरिक डेटा हो गया। न्यूमेरिक डेटा किस पे कंसिस्ट होता है, 0 से लेकर 9 तक डिजिट पे, प्लस माइनस की साइन पे, डेसिमल पॉइंट पे, एक्सपोनेंशियल पे, ये हमारा न्यूमेरिक डेटा है। लेकिन इसमें जो फर्दर टाइप्स टूटती हैं, जैसे कि आप न्यूमेरिक डेटा में देख रहे हैं कि न्यूमेरिक डेटा में भी दो हिस्सों टूटता है, एक होता है रियल डेटा, एक होता है इंटीजर डेटा। सही है। अब इंटीजर डेटा और रियल डेटा में कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं होता, लेकिन इंटीजर इंटीजर्स की अगर बात करें तो आपने मैथ में ही पढ़ा हुआ इंटीजर्स नंबर, यानी प्लस माइनस दोनों के नंबर, +2, +3, ±, ±, ±। लेकिन इंटीजर्स जो नंबर होते हैं वो विदाउट डेसिमल पॉइंट होते हैं। यानी अगर उसका की पॉइंट देखा जाए
तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इंटीजर नंबर जो होता है वो ही होता है 0 to 9 डिजिट्स, पॉजिटिव नेगेटिव साइन, बट विदाउट डेसिमल पॉइंट। अब इंटीजर नंबर की एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास जो होते हैं तकरीबन देखें आपके कितने होंगे, 22 हो सकता है, 25 हो सकता है, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, या ये कह लें कि नंबर ऑफ चेयर्स इन द क्लास या नंबर ऑफ कोई भी चीज, लेकिन वो हाफ नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि 2.5 स्टूडेंट हो, ऐसा नहीं हो सकता, सही है, जो होगा पूरा होगा। तो यहाँ पे ये डेटा हमारा यूज होता है, इसमें डेसिमल पॉइंट कोई नहीं होता। अगर डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो ये हमारी टाइप होगा इंटीजर्स, लेकिन जब डेसिमल पॉइंट यूज करना हो तो हम क्या करेंगे, तो डेसिमल पॉइंट जब यूज करना हो हम डेटा इस्तेमाल करेंगे वो रियल डेटा होगा। रियल डेटा कुछ ऐसा कह सकते हैं कि अब रियल डेटा की बात करते हैं, रियल डेटा में देखें दो डेटा आ रहे हैं, एक फिक्स पॉइंट डेटा एक फ्लोटिंग पॉइंट डेटा, सही है। अब यहां पे फिक्स पॉइंट पहले हम देखते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट बाद में देखते हैं। दोनों डेटा जो रियल डेटा होते हैं उन दोनों में पॉइंट तो लगता ही है, सही है। अगर रियल डेटा की बात की जाए तो 0 to 9 तक डिजिट्स, सही है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन और साथ में डेसिमल पॉइंट, ये तीन इसकी मेन की पॉइंट है। यानी 0 to 9 तक डिजिट होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव साइन होगी, डेसिमल पॉइंट होगा, यानी पॉइंट वाली वैल्यू होगी, जैसे 4.5, 6.8, 7 पॉइंट समथिंग, कुछ भी हो सकता है ATC। लेकिन अगर आपको कोई बड़ी वैल्यू लिखनी है जैसे तो 6.67 मल्टीप्लाई 10^-11 ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू, तो यहां पर डेटा है ये अलग दिखाई दे रहा है और यहां वाला डेटा अलग दिखाई दे रहा है। क्यों? यहां पर एक एक्सपोनेंशियल लगा हुआ है, अलग दिखाई दे रहा है। तो हम लोग रियल डेटा को दो टाइप में तोड़ते हैं, जो हमारा सिंपल डेटा होगा जैसे कि आपकी परसेंटेज होगी, परसेंटेज आपकी होगी 84.56। यहां पे देखें तो हमारे पास पॉइंट के बाद एक दो नंबर फिक्स आ रहे हैं, सही है, तो ये हमारा है फिक्स पॉइंट। लेकिन अगर मास ऑफ गैलेक्सी या ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट करें तो यहां पर हम लोग जानते हैं कि 6.67 आगे बहुत सारी वैल्यू होगी, लेकिन हमने कंप्रेसाइज करके इसको छोटा करके सिर्फ यहां तक लिख दिया। अब की इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, ये क्या है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट, अब इस डाटा की हम लोग ये एग्जांपल देखते हैं कि फिक्स पॉइंट और फ्लोटिंग पॉइंट कहां यूज होता है। अब जैसे तो मैं एग्जांपल की बात कर रहा था कि फ्लोटिंग पॉइंट और फिक्स पॉइंट की एग्जांपल क्या होती है। देखें एग्जांपल जैसे कि आपका एक नंबर है 5, 6, सही, अब हम करते हैं इसको डिवाइड, बस 1 बचा, 1 आ गया, 1.2 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, तो यहां पे एक नंबर जो हमारे पास आया है 1.2। बेसिकली यहां पर अगर देखें तो उसका पॉइंट एक फिक्स है, सही है, यानी वैल्यू एक फिक्स आ गई, फिक्स पॉइंट है। अगर हम लोग कोई ऐसा नंबर डिवाइड करें या फिर हम लोग एक नंबर ऐसे जजमेंट ना करता तो वहां पर क्या होगा, पॉइंट फ्लोटिंग होता होगा। जैसे कि हम ये डिवाइड कर लें 3/10, तो 9 आ गया, फिर 10 आ गया, फिर 9 आ गया, 3.3333 सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा। तो यहाँ पे डाटा है, आप देखें नंबर जो है हमारा आगे पे आगे बढ़ा जा रहा है, यानी कोई वैल्यू एक्यूरेट नहीं होती। जैसे मैंने बात मिसाल दी थी कि 6.67 मल्टीप्लाई 10^-11 जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, यहाँ पे अगर ये 6.678956 तो कुछ भी हो, मसला यहाँ पे ये है कि हमने एक पावर रिकॉग्नाइज कर ली कि माइनस आगे 10 जीरो है। तो आप जैसे फर्ज करें आपके पास एक वैल्यू है 10 अरब, अब 10 अरब 2 रुपये हो, 10 अरब 3 रुपये हो, इससे आपको फर्क नहीं पड़ता, हम उसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देंगे 10 अरब। तो फ्लोटिंग पॉइंट हम एक्सपोनेंशियल यूज करते हैं 10^ बेसिकली, ताकि हम बता सकें कि ये जो वैल्यू है ये फ्लोटिंग पॉइंट की, इसकी कोई एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, इसमें पॉइंट फ्लोटिंग हो रहा है और आगे और भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन हमने यहाँ पॉइंट डाल के एक्सपोनेंशियल से यहाँ पे इसको छोटा कर दिया, कंप्रेसाइज कर दिया। ओके, अब हम बात करते हैं बाकी दूसरी साइड कि डेटा की दूसरी साइड जो है करेक्टर डेटा, ग्राफिक्स डेटा और स्ट्रिंग डेटा, सही है।
सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टर डाटा में अल्फाबेटिक डाटा। अल्फाबेटिक डाटा नाम से अपने जाहिर हो रहा है कि अल्फाबेटिक डाटा जो भी होगा आपका डेटा होगा वो ए से लेके जेड तक स्मॉल या कैपिटल कुछ भी कह सकते हैं उसमें मुश्तमिल होगा, सही है। दूसरी बात, जैसे ये डाटा कहां यूज होगा, जैसे आपको अगर नाम लिखना हो, सिटी लिखना हो, कंट्री लिखना हो, तो यहां पे डाटा यूज होगा। सिर्फ किस बात का डाटा, जो आपका अल्फाबेटिक होगा, अल्फाबेटिक, सही है। लेकिन अल्फा न्यूमेरिक, जब आप किसी चीज का एड्रेस लिखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हम यहां का एड्रेस लिखते हैं D18 ब्लॉक J N, तो यहां पर अगर आप देखें अल्फा न्यूमेरिक की टाइप है, यानी आपका अल्फाबेट भी आ रहे हैं D A से लेकर Z तक में आ रहे हैं, यानी अल्फाबेट का डाटा, और दूसरा न्यूमेरिक डाटा 18। तो यहां पे दो तरह के डाटा यूज हो रहे हैं, अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों, यानी अल्फा न्यूमेरिक डाटा। जब भी आपको किसी इसका एड्रेस लिखना हो तो डाटा जो होगा आपका अल्फा न्यूमेरिक होगा, क्योंकि उसमें क्या कंसिस्ट होगा, एक अल्फाबेट भी कंसिस्ट होगा, साइड में एक साइन भी कंसिस्ट होगी, जो स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे, जैसे कि ये हो गया स्लैश हो गया या कोई और साइन हो गया। बाकी दूसरी चीज क्या होगी, तीसरी कि उसमें नंबर भी होंगे। तो अल्फाबेटिक अल्फा न्यूमेरिक डाटा हम लोग यहां यूज करते हैं। अब डाटा की लास्ट टाइप जो हम पढ़ रहे हैं वो ग्राफिकल डाटा। ग्राफिकल डाटा देख लें, ग्राफिकल डाटा ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं, हम देखा जाकर काफी सारे इमेज हो गए, काफी सारी पिक्चर्स हो गई, जैसे पिक्चर्स की वीडियो बनती है, यानी ग्राफिक शक्ल में, जहां आपको अगर चार्ट बनाए, जैसे चार्ट बना लिया या कोई इमेज बना ली, तो यहाँ पे ग्राफिकल डेटा बनेगा। ग्राफिकल डेटा वैसे तो पिक्चर की फॉर्म में होता है, लेकिन अगर आप देखें वीडियो जो होती है वो क्या होती है, एक तरह का पिक्चर का मिक्सचर होती है, यानी आप किसी भी पिक्चर को 20 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड से चलाएं तो आपको वीडियो की शक्ल में दिखाई देगी। पहले यही टेक्नोलॉजी यूज होती थी, जो रीलों में 20 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड से चलाते थे, तभी जाके वो पिक्चर आपको वीडियो बनकर दिखाई देती थी, सही। तो ये होगी ग्राफिक डेटा की पूरी टाइप। आपको मैं एक छोटी सी एक्टिविटी दिखा देता हूँ बस जल्दी से, जैसे कि हम लोग एक बंदे का आई डी कार्ड बना रहे हैं, सही है। ये हमारा आई डी कार्ड है, इसमें हमारी जो तस्वीर होगी ये हमारा क्या हो गया, ग्राफिकल। सही है, हमारा नेम जो हो गया ये हो गया अल्फाबेटिक, अल्फाबेटिक डेटा। हमारा एड्रेस जो हो गया ये क्या हो गया, हमारा अल्फा न्यूमेरिक डेटा, सही है। तीसरा हमारा रोल नंबर, ये हमारा क्या डेटा हो गया, ये हमारा न्यूमेरिक डेटा हो गया, सही है। ये हमारा पिक्चर डेटा हो गया, ये हमारी परसेंटेज, ये हमारा क्या हो गया, रियल डेटा। रियल डेटा में 6.84.56। तो ये आपका हो गया तस्वीर में ग्राफिक डेटा, नाम में अल्फाबेटिक डेटा, एड्रेस में अल्फा न्यूमेरिक डेटा, रोल नंबर में सिंपल न्यूमेरिक डेटा, और परसेंटेज में रियल डेटा। तो दोस्तों यहां तक हमारी वीडियो कंप्लीट होती है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी, पसंद आई होगी, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, ताकि हमें पता चले कि हम लोग कहाँ गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, या आपको आगे वीडियो कौन सी देखनी है। थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।